हाय, मैं उज़मा खान। मेरे यूट्यूब चैनल उज़मा किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। ये बहुत इजीली आप घर पर बना सकते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह इसका टेस्ट होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ देखिए ये बटर लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और ये मैंने चीज़ लिया है, अमूल के चीज़ के 2 पीसेस लिए हैं। और ये मैंने लिया है बंद गोभी, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ मैंने ये लिए शिमला मिर्च, ये भी बहुत बारीक बारीक काटी है, बिल्कुल छोटी छोटी। और ये बटर है, अमूल का बटर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। और यहाँ मैंने आधा टमाटर एकदम बारीक काट लिया है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी सामान हमने सब्ज़ियाँ लिए वो बहुत हमें बारीक कटी हुई होना चाहिए। और ये मैंने लिए चिली फ्लेक्स, जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं वो इसमें भी यूज़ करेंगे। और ये मैंने एग लेस मेयोनीज ली है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ हमने तवा रख दिया गैस पे, फ्लेम कर दिया हमने ऑन। यहाँ हमें तवा गर्म होने के बाद फ्लेम एकदम बिल्कुल लो कर दिया है। और इस पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा बटर, थोड़ा बटर हम इस पर ऐड कर रहे हैं। बटर पूरे तवे में थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जो हम ब्रेड रखेंगे वो अच्छे से उस पर लग वो हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे सब्ज़ी फ्राई। तो सब्ज़ी में हमने बंद गोभी डाली है, इसमें फ्राई कर लेंगे। ये हल्की सी फ्राई हो गई, आप डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसे भी खूब करीब 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मैंने कर लिया फ्राई। अब ये थोड़ा गल गई है हल्की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, हमें कम ही गलानी है। अब इसे हम एक जगह एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी मैं सब्ज़ी सारी एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने एक बाउल में सब्ज़ी निकाल ली है, मैंने सारी सब्ज़ी निकाल ली। अब टमाटर इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर मैंने इसलिए नहीं फ्राई किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने बस इस स्टेज पर मिला ली है टमाटर इसमें। ये सारी सब्ज़ी बिल्कुल आपस में मिक्स कर दी है अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़, जो मैंने मेयोनीज ली थी उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने इसमें मेयोनीज ऐड कर दी है। अब मैंने यहाँ 2 टीस्पून मेयोनीज ले ली है भर के, और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे ताकि सब्जियों में मेयोनीज अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हम आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक ऐड कर रहे हैं, नमक हमें कम ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़े से इसमें ऐड कर देंगे अंदर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको भी। ये देखिए मिल गए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गए हैं। इसको करेंगे हम सर्व। अब ब्रेड में लगाएंगे इसको। ये मैंने ब्रेड लिया है, ब्रेड में सबसे पहले लगाएंगे हम मक्खन। ये मैंने 1 चम्मच मक्खन ले लिया था और इस ब्रेड में पूरे में लगा दिया है फैलाकर। ये देख सकते हैं मक्खन लग गया इसमें अच्छे से। दूसरे ब्रेड में भी मक्खन हम लगा लेंगे इस तरह से, लगा लिया इसमें मक्खन। अब जो मैंने चीज़ लिए हैं, चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं, वो इस पे रखेंगे हम। ये देखिए ये मैंने खोल लिया इसका पैकेट और ये चीज़ इस पे मैंने रख दिया है। इस तरह से खुलेगा ये, ऐसे ही इस तरह से दूसरे वाले ब्रेड पे भी रख दिया चीज़। अब इसको हम रख देंगे तवे पे, दोनों ब्रेड को, दोनों ब्रेड को मैंने तवे पे रख दिया। और फ्लेम को मैंने यहाँ बिल्कुल लो कर दिया है,
वरना हमारे ब्रेड जल जाएंगे। एकदम लो रखनी है फ्लेम को। और जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो इस पर हम लगा देंगे। ब्रेड पे पूरे पे लगा देंगे अच्छे से स्टफिंग। दोनों ब्रेड पे हमने स्टफिंग इस तरह से लगा दी। अब इसको पकने देंगे। इसको ढक देंगे ढक्कन से और करीब 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है इसको। अब देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा के देखा है। देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। चीज़ बिल्कुल पिघल गई है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बना है। अब इसमें हम थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर से और डाल देंगे। इससे और भी टेस्टी हो जाता है। हल्का हल्का मैंने छिड़क दिया दोनों पिज़्ज़ा पे। आप ये देख सकते हैं। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।